दबंगों ने असहाय मजदूरों के ऊपर बरसाया कहर। स्थानीय पुलिस दबंगों के प्रभाव से नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। पीड़िता ने लगाई पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार। मामला जनपद आजमगढ़ में नगर थाना क्षेत्र के दिनावापुर के रहने वाले विनोद गौतम पुत्र जोखन राम की गाड़ी धुलाई की दुकान थी। विनोद गौतम की माँ आशा देवी मीडिया से बात करते हुए बताया कि गांव के रहने वाले हरकू यादव पुत्र राम रूप यादव एवं धर्मेंद्र सत्येंद्र यादव 7 मई 2020 को सुबह में लगभग 5 बजे 50 लोगों के साथ आए और जबरदस्ती दुकान की तोड़फोड़ की और आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? क्या बात है, क्या मामला है आगे? मामला ये साहब है कि हमारे खेत है यहाँ जबरी कर रहे हैं, वहाँ से घर ना देते हैं, मशीन गाड़ा सर्विस तो कर फूक काट के कर दे। अकेले गरीब जान के इधर कौन कौन लोग फूके हैं? हर को आधा लेके आया रहा ना अपन लड़का। पूरा परिवार लेके आया। पूरा परिवार? कितने लोग थे लगभग? साहब ऐसा नहीं कि 50 से ऊपर रह लो, अगर जो पछवा कमर पागल हो तो काट के फेंक दो। क्या क्या था उसमें तोड़े फोड़े हैं? जो तोड़े फोड़े में वो इंजन अच्छा कर मड़ई गिरा देते हैं, फूट दिए। जमीन आपकी है कि दूसरे की है? नहीं आपका मामा। अच्छा।